बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, आधा किलो आलू जिनको धोकर छील के पानी में भिगो दिया है, टमाटर, लहसुन अदरक और सब्ज़ मेरे उसके पेस्ट। ये बैंगन है आधा किलो, इनको धोकर छील के उतार कर पानी में भिगो दिए। एक ड्रॉप सिरके का भी डाला था काले होने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पतीली में मैंने घी शामिल कर दिया है, आधे कप से पौने कप के करीब है, और ये प्याज शामिल कर दूँ और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और प्याजों को फ्राई कर लूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्के गोल्डन लाइट कलर के होंगे सब्ज़ी वाले हैं प्याज। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, डाल दूँगी और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डबल मिक्स। और अच्छी तरह से मसाले को भून लूँ। एक टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून हल्दी, नमक पहले डाल दिया था। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें सब्ज़ी डालूँ। मसाला का हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। थोड़े से आलू भून के फिर मैं इसमें बैंगन शामिल करके साथ ही भूनूंगी। आलू भी मैंने लंबाई के रूप में काटे थे और बैंगन भी मैंने इस तरह से लंबे ही काटे थे, चकोर नहीं काटे थे। आलू अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें बैंगन शामिल कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूंगी। बैंगनों में मैं एक कप के करीब दही शामिल कर दूंगी, छोटा कप है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार बैंगन की सब्ज़ी बनती है, इनकी ये सब्ज़ डंडियाँ नहीं उतारनी होती। इसी के साथ मैंने इनको काटा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा दूंगी सब्ज़ी के गलने तक, एक कप के करीब, इसी में ये बैंगन गल जाएंगे। ये सब्ज़ी मिक्स मसाला है, थोड़ा सा ये शामिल डाल दूंगी इसमें और थोड़ी सी कसूरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। एक कप के करीब ये पानी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से बंद करके कवर कर दूंगी। एक ही कप में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन को अब मैं देख लेती हूँ। सालन हमारा बनाई पे आने वाला है। बहुत अच्छी तरह से बैंगन गल चुके हैं और आलू भी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो गई है, बिल्कुल पक चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी 5 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको बनाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और दुआ में याद रखा करें।